देखिए आते आते कितने बढ़िया घने जंगल के अंदर आ गए नीचे की तरफ। गजब यार, अत्यंत मजा आ रहा है। तो ये है मुख्य मंदिर यहाँ का, इधर पर आए हैं अंदर। ओके, यहाँ है दोस्तों, यहाँ है, यहाँ पे गणेश जी है और जो गुफा की जो बोल रहे थे वो अंदर है। काफी अंधेरा है यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, ज्यादा मस्ती नहीं करना। ओके चलो बाय। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि हम लोग बहुत जल्दी एक नई ट्रिप शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तक चैनल पे हमारे ग्वालियर के आसपास के वाटरफॉल, हम लोग जल्द ही बाहर भी निकलने वाले हैं और ये जगह हम लोग जा रहे हैं रीवा। अगर रीवा से कोई भाई इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमें वहाँ के आसपास के नज़ारों के लिए बता सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर। दोस्तों नमस्कार, मैं डेविड ग्वालियर आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक और नए वीडियो में। आज मेरे साथ मेरे सारे दोस्त हैं और एक और यूट्यूबर हैं, ग्वालियर के हैं, अभी लगातार वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनसे मिलवाता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये है अपने राज भाई। हेलो, मेरा नाम है राज। भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मतलब काफ़ी टाइम से इच्छा थी भैया के, काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने देखे हैं, बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ मैं भैया को। मेरा भी एक चैनल है छोटा सा फनटू व्लॉग्स के नाम से, तो भैया मेंशन कर देंगे, आप एक बार उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये थे अपने राज भाई और राज भाई के साथ आए हैं इनके पिताश्री। नमस्कार अंकल। नमस्ते। और बाकी जैसा कि आप देख रहे हैं अपने सारे भाई और अपने हीरो पप्पन भैया ये भी चल रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए भाई निकलते हैं नलकेश्वर वाटरफॉल के लिए, क्योंकि पिछली बार जो हम लोग गए थे ना उस वक्त हम लोग को पानी नहीं मिला था। तो आज सुना है मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे भाई ने बताया था, मतलब हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को बताया डेढ़ भाई अब नलकेश्वर जाइए, वहाँ पानी शुरू हो गया है। फिलहाल अभी दो तीन दिन से बारिश नहीं हुई है, क्या स्थिति वो तो वहाँ चल के ही पता चलेगी। तो बने रहिए वीडियो में, स्किप मत कीजिए। तो दोस्तों घर से निकलने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं छतरी मंडी रोड गोल पहाड़िया एरिया पे। अब यहाँ पे पहले तो हम लोग नाश्ता पैक कराते हैं क्योंकि भूख भाई साहब बहुत ज़्यादा लग रही है, कोई भी सुबह नाश्ता करके नहीं निकला है। दुकानें हैं समोसे कचौड़ी की, खाते हैं कुछ हल्का फुल्का फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ सबकी सब रुके हैं, नाश्ते का आनंद ले रहे हैं, या गर्मा गर्म समोसे कचौड़ी भेड़े सब कुछ मिल रहा है, खाते हैं और फिर निकलते हैं। राज भैया के पापा से मिलके काफ़ी अच्छा लगा और राज भाई आगे जाके बहुत तरक्की करने वाले हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं उनको। दोस्तों यहाँ से तिगरा डैम दिखना शुरू हो गया है, काफी ज्यादा वाटर लेवल बढ़ चुका है इसका, फिर गांव तक पानी आ चुका है। भाई साहब क्या लग रहा है यार, एकदम लग रहा मतलब समुद्र का जो तट होता है ना, किनारा होता है, उस तरह का तिगरा डैम दिख रहा है। तो दोस्तों 20 किलोमीटर सफर तय करने के बाद पहुंच गए हम लोग तिगरा डैम और सामने आप देख रहे हैं ये तिगरा डैम का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं गाड़ियों को, अंदर एक रेस्टोरेंट बन गया है पर बहुत महंगा है। हम लोग को यहाँ से होके आगे बढ़ना होगा नलकेश्वर के लिए। तो यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है वो आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कुछ फ़ोटो डालना तो बनता है ना आज की। और आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारी ट्रिप होती हैं आने वाले समय की वो हम लोग वहाँ पर पहले स्टोरी में बता देते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं, एक दिन पहले हम लोग अपडेट दे देते हैं वहाँ पर। तो जाइए फॉलो कीजिए डेविड ग्वालियर यूट्यूबर के नाम से। अरे कैसे आ रहे हैं झुकझुक के, कांटील ही झाड़ियों को पार कर दो हमारे अंकित भाई। ये है वो व्यू पॉइंट, देखिए आप भाई अपनी वाइफ का नाम चिल्लाएंगे। लड़ेगी घर पे जाके मेरे से। आप अपनी वाइफ का नाम लीजिए, इन पहाड़ों को सुनाइए। ग्वालियर वालियो। डेविड भाई ने शाम को अपनी पिटाई का इंतजाम कर लिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ का, अभी तक हंसी मजाक जो चल रहा था
अब देखिए आप, एक नंबर जगह है। चाहे तो गवर्नमेंट यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर सकती है, करा सकती है, क्यों भाई, होगा ना दोस्तों। यहाँ पे हमें देखिए कौन मिले हैं, भैया आइए। अपने सब्सक्राइबर हैं, ये कहते हैं कि हम आपकी वीडियो लगातार देखते हैं। हाँ सर जी, हम आपकी वीडियो लगातार देखते रहते हैं। नलकेश्वर पे हमें बहुत ही अच्छा लगा घूम के, और आपसे भी, आप लोगों से। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है आशुतोष भटनागर, मुरैना से। मुरैना से? हाँ। अरे वाह, देखिए दोस्तों कितनी दूर दूर से लोग आते हैं और हमारी वीडियो कहाँ कहाँ जा रही है। इसी बात पे तो एक लाइक बनता है ना। लाइक एंड शेयर। अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। तो इस वक्त हम लोग ग्वालियर की मनाली वाली वादियों में, जैसा कि आप देख रहे हैं, और कुछ सिनेमैटिक शॉट लिए। आप लोग कैसे लगे बताइए कमेंट करके। और हमारे अंकित भाई एक नंबर की बांसुरी बजाते भाई साहब, थोड़ा दिक्कत है, ज्यादा शॉट लिया नहीं है, पर नलकेश्वर पे सुनाएंगे ये। ऊपर वाला आ गए भाई साहब हम लोग। हाँ, क्या कह रहे हो अंकित राज भाई? मैं बोल रहा था ये जो आपका हेलमेट का है, ये GoPro वाला है ना? ये इस पे GoPro भी माउंट हो जाता है और अपन मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं। चलिए ये बहुत अच्छा जुगाड़ है, इसका मैं भी देखूंगा, मुझे भी करना है। जुगाड़ करके मैंने बनाया था, इसके लिए पूरी वीडियो डाल रखी है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ। ये कहाँ से मंगाते हैं, कैसे जुगाड़ करते हैं, कैसे शानदार जुगाड़ है, मतलब मजा आ गया देख के मुझे तो। जो आप मोटो व्लॉग वाले शॉट देखते हो ना, वो मैं इसी पे मोबाइल ला के रिकॉर्ड करता हूँ। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि गर्मी काफी बढ़ गई है और धूप काफी ज्यादा है। चले चलिए। जगह बहुत शानदार है भाई, पैराग्लाइडिंग हो सकती है यहाँ पे अगर गवर्नमेंट चाहे तो, रोप भी लग सकता है, मतलब काफ़ी एडवेंचर के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए जगह एक नंबर लगी हम लोगों को। चलते हम नलकेश्वर के लिए, कि अब रह गया है यहाँ से दोस्तों मात्र 7 किलोमीटर। सो फाइनली दोस्तों पहुँच गए अपन नलकेश्वर। रोड में ही दिख जाएंगे आपको बन लगे हुए 2 बोर्ड। आओ ये रहा, पिछली वीडियो में बता दिया था यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, फिर भी बताना चाहूँगा, या नॉनवेज वगैरह और शराब मदिरा का सेवन ना करें। नलकेश्वर धाम पहुँच गए हैं दोस्तों नलकेश्वर। तो नलकेश्वर में कोई प्रोग्राम चल रहा है, गाड़ी पार्किंग की दिक्कत आ रही है, तो ये पेड़ की छाँव में हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। अब बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको वाटरफॉल की क्या स्थिति है आज। चलो पप्पन भैया ये देखिए नाश्ता घूम रहा है, नाश्ता नहीं डिनर घूम रहा है। आप अपन भैया ट्रैकिंग करनी है तुम्हें थोड़ी, अंकल भी आ रहे हैं। अंकल मजा आ रहा है कुदरत के बीच में आके? बहुत मजा आ रहा है। तो पप्पन भैया के आने से वीडियो में रौनक आ जाती है और हमारी ट्रिप भी मस्त हो जाती है। इस जंगल की तरफ से हम लोग होते हुए जा रहे हैं, छोटा सा रास्ता पकड़ा है, सब भाई लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, और ऊपर से कम पानी है, नीचे थोड़ा ज्यादा पानी गिर रहा है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर से गिर रहा है ना, तो नीचे थोड़ा बड़ा वाटरफॉल बन रहा है। जा रहे हैं हम नीचे पानी का आनंद लेने, पानी देखते हैं कितना पानी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कितनी ऐसी सीढ़ी है एकदम नीचे की तरफ। देखिए आते आते कितने बढ़िया घने जंगल के अंदर आ गए नीचे की तरफ, गजब यार। क्या थोड़ा ठंडक लग रहा है ना, मजा आ गया, क्या मस्त घना जंगल है। गर्मी थी पर यहाँ पर आराम लगा। तो पिछली बार मैं आया था, महादेव का मंदिर नहीं दिखाया था, जो कि मेरे को भी नहीं मिला था, इस बार जरूर मिल गया हम लोगों को। ये रास्ता कुछ ऐसा यहाँ से जा रहा है, सामने एक छोटी सी पुलिया बनी है, इसको पार करके मंदिर की ओर बढ़ना होगा। चलते हैं। हाँ अंकित भाई, क्या मस्त बड़ी चट्टान है, चलते हैं दोस्तों आगे। ये देखिए बहुत ही पतला पुल बनाया है यहाँ पे, इसको पार करके मंदिर की ओर जाना होगा, और जो वाटरफॉल का पानी है वो यहाँ से आ रहा है, मतलब ये जगह पे बैठ के आप पिकनिक बना सकते हैं। और यहाँ का नज़ारा देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा सुंदरता है यहाँ पे हर जगह।
मंदिर के परिसर में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। कहाँ से जाना होगा अंकित भाई, दिख रहा नहीं रास्ता पीछे तरफ से? अच्छा कहाँ है रास्ता? अरे उधर से ऐसे करके चढ़ के ऐसे जा सकते हैं। ये दिख रहा है अपने को, इस चट्टान से इस पे जड़ के ऊपर जाना होगा। जाओ देखिए इस तरह से जाना होगा, काफी रिस्की है। दोस्तों यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ उमस ज़्यादा बढ़ रही है, जंगल के अंदर है ना उमस ज़्यादा होती है इस तरह के मौसम में, काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। वापस यहीं से पार होके जाना पड़ेगा। हाँ हालत ख़राब। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आए थे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक प्रतिमा दिखाई है उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। यहाँ एक महाराज मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। तो बताइए कुछ यहाँ के जानकारी के बारे में, अगर कोई आना चाहे जिसको कोई जानकारी नहीं है इस विषय में, उनके लिए। ये तीर्थ है, तीर्थ स्थान नलकेश्वर धाम जी। यहाँ पे मतलब भक्तों की श्रद्धा, भक्तों की श्रद्धा से श्रद्धा जुड़ी हुई है नलकेश्वर से, इसलिए भक्त जाना तरह आने बोले वो आगे मतलब भक्त हैं, माता मैया के भक्त हैं। ये मतलब ग्वालव ऋषि महाराज जिनकी तपोभूमि है। तपोभूमि यहाँ ग्वालव ऋषि महाराज जी ने भजन करो कई बरस गंगा मैया साक्षात आई है, यमुत्री गमुत्री तेग महाराज जी लेके आए तपस्या के द्वारा। ग्वालव ऋषि महाराज जी तपस्या के द्वारा लेके आए गंगा मैया यहाँ, यहाँ टपकेश्वर धाम है जहाँ भोले बाबा पे मतलब 12 महीना बूंद टपकते रहते हैं। और इसका लेके शिव पुराण में, अच्छा हाँ, नरकासुर राज समारोह वहाँ से वो नलकेश्वर धाम है। यहाँ बहुत बड़ा तीर्थ है भगवान, कितनी जानकारी है। अच्छा सावन के महीने में लगातार यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं, श्रद्धालु भक्त बहुत आते हैं। अच्छा अच्छा। बाद बाकी मतलब 12 महीना भक्त आते, 12 महीने यहाँ भक्त सावन के महीना में ज्यादातर आते हैं। यहाँ पे और कुछ खास चीज, जैसे कि ऊपर हम लोग गए थे वहाँ उस जगह पे, वहाँ एक प्रतिमा हमें दिखी जो आपने बताया गालव ऋषि जी की, और कुछ भी है यहाँ पे? भोलेनाथ है अंदर, गुफा है, बहुत प्राचीन मंदिर है और भी मतलब देखिए मैं सब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरफ जो मंदिर दिख रहे हैं भोलेनाथ जी, यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, वहाँ एक गुफा भी है, गुफा दिखा सकते हैं ऐसा कुछ? दिखा सकते हैं, ठीक है आइए। चलिए महाराज जी चल रहे हैं अपने साथ और अपने को वो गुफा के दर्शन कराते हैं। तो ये है मुख्य मंदिर यहाँ का, इधर पर आए हैं अंदर। ओके यहाँ है दोस्तों गुफा ये, और जो गुफा की जो बोल रहे थे वो अंदर है, काफी अंधेरा है यहाँ पे। चलो अंकित भाई, तो ये है भाई साहब यहाँ के अंदर की गुफा, जो कि आपको सिर्फ हमारे वीडियो में देखने को मिलेगी। काफी बड़ी चट्टान है, इस चट्टान के अंदर बनाई गई है गुफा। बढ़ते हैं आगे। ओके यहाँ मौजूद है शिवलिंग। अपने अंकित भाई यहाँ पे बांसुरी से कुछ भजन सुना रहे हैं। बहुत गर्मी है अंदर भाई साहब, देख रहे हैं आप पूरे पसीने में हम लोग भीग चुके हैं, और अंकित भाई बढ़िया बांसुरी बजा रहे हैं अंदर। ये गुफा थी अंदर की, और यहाँ पे भी एक मंदिर मौजूद है, ये देख सकते हैं आप इधर, और ये पूरा विशाल चट्टान के अंदर बनाया गया है। काफ़ी बढ़िया जगह है, जो कि आज पहली बार हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ की जानकारी हमें महाराज के द्वारा मिली। चलते हैं अब झरने की तरफ, आप लोगों को दिखाते हैं झरना। तो भाई साहब हम लोग निकले थे मस्ती करने और यहाँ पे माहौल हो चुका है एकदम कहते हैं ना भक्ति वाला। तो यहाँ पे गुरु महाराज जी हैं जो कि हारमोनियम बजा रहे हैं और जिनकी गायन मंडली, तो चलिए गाना इनका रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं।
काफी लोग जमा हो चुके हैं और काफी सारे सब्सक्राइबर भी यहाँ पे मिले हम लोगों को। हम लोग निकलते हैं नीचे की ओर क्योंकि हमारे भाई लोग भी हमारा इंतजार कर रहे हैं और लोग हम लोग बता के नहीं आए थे कि हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। पप्पन भैया वगैरह सभी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर और यहाँ की जानकारी आप लोग कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं वॉटरफॉल के करीब। अंकित भाई देखिए बढ़िया भाई साहब नेचर में आके इस तरह के कर्तव्य करने का आनंद ले रहे हैं। देखिए अंकित भाई बेहतरीन यार मजा आ गया। तो गाइस ऐसी मस्ती हमारे वीडियो में होती रहती है जो कि आप लगातार देख रहे हैं। और ये देखिए हमारे पप्पन भैया को इतनी खूबसूरत जगह पे बैठे हैं एकदम कल कल करते हुए पानी की आवाज़ का आनंद ले रहे हैं। और ये भैया बेहतरीन जंगल मज़ा आ रहा है। इतनी थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं फिर आगे बढ़ते हैं वाटरफॉल के लिए। ये देखिए कितनी सारी मच्छियाँ हैं। राज भाई के जो नाखून के बगल में हल्की हल्की स्किन होती है ना जो डेड हो चुकी होती है उसको खा रही है ये लोग। मैनी के और पैडी के और ये देखिए मच्छियाँ देखो इसकी मैं इतनी बड़ी बड़ी हैं। इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारी मच्छियाँ हैं। और एक ये फ्री की थेरेपी का आनंद ले रहे हैं राज भाई और अंकित भाई वगैरह। पानी में पैर डाल दिए और जो नाखून के बगल में डेड स्किन होती है ना उसको ये लोग खा रही हैं। मसाज थेरेपी है ये बहुत अच्छी थेरेपी है ये जो कि यहाँ फ्री में आनंद ले रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा इस प्रकृति के बीच में बैठ के। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं आप जाते हैं वाटरफॉल दिखाते हैं आपको कुछ करते हैं मस्ती मजाक और नहाते हैं वहाँ चल के चलें जी चलो चलो आ जाओ सब लोग जंगल अंदर। अभी और जंगल अंदर जाना है दोस्तों। एक चीज़ और बता दूं जिस जगह से हम लोग गुजर के आगे बढ़ रहे हैं वाटरफॉल की तरफ आप लोग भी आ सकते हैं पर सिर्फ बारिश के टाइम पे मत आइए क्योंकि कब वाटरफॉल पे पानी बढ़ जाए और इस जगह पे नदी बन जाए कुछ नहीं कह सकते। खैर आप बहेंगे तो नहीं पर आप अनबैलेंस होकर गिर सकते हैं और ये चट्टान पर आपका सर पड़ जाए या हाथ पड़ जाए कुछ भी पड़ जाए तो उससे आपको तकलीफ हो सकती है। तो बारिश के टाइम पर इस जगह पर ना आएँ। बारिश के टाइम पर आप ऊपर ही आएँ वाटरफॉल के मज़े लें और यहाँ के मंदिर के दर्शन करें। चलते हैं आपको इस जंगल के दर्शन कराते हैं। चलो 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 फाइनली वाटरफॉल पहुंच गए और जहां से हमें आवाज सुनाई देने लगी है तो भाई साहब ट्रैकिंग करने में बड़ा मजा आ रहा है। ताकि आप देख रहे हैं कि पहुंच गए हैं हम लोग वाटरफॉल के करीब ये सबकी सवार हैं पीछे तो आ गए हैं हमारे साथ पप्पन भैया यहाँ पे और यहाँ पर बह रहा है खूबसूरत सा वाटरफॉल क्योंकि उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है पर सुंदर काफी। ये है वो वाटरफॉल देखिए दोस्तों ये हमारे राज भाई या कैमरामैन बन चुके हैं राज के। ये भी राज हैं और वो भी राज हैं ये दोनों मिलकर पता नहीं कौन सा राज पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पर पप्पन भैया को देखिए बस पानी में आनंद ले रहे हैं। अंकल और उनके बेटे दोनों मस्ती कर रहे हैं। हमारे अंकित भाई पहुंच गए हैं और ये खूबसूरत सा वाटरफॉल जैसा कि सामने दिख रहा है अभी उतना ज़्यादा नहीं गिर रहा है पर बारिश में बहुत ज़्यादा गिरता है। अभी पानी के अंदर आ चुका हूँ काफ़ी ठंडा पानी है भाई लोगों। अरे रानी रे ये देखो भैया आनंद और बढ़िया ये वाटरफॉल भाई साहब करीब से देखिए आप। तो इस वक्त मैं जा रहा वाटरफॉल के झरने के नीचे बैठ के नहाने।
से हम लोग आ गए, अब वापस वहीं जा रहे हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर आगे क्या है वो आपको दिखाते हैं। तो ये जगह पहुंच गए हैं, यहाँ पे नाश्ता वास्ता करते हैं, अंकल के पास नाश्ता वो पीछे रह गए। सब यहाँ पे अपने नाश्ता तैयार हो रहा है जो कि हम लोग अपने साथ में लेके आए थे, और इस खूबसूरत जगह पे बैठ के नाश्ते का आनंद लेने के लिए तैयार है सब भाई लोग। तो चलिए खाते हैं समोसे कचौड़ी बेड़ी। बढ़िया सी जगह बैठ के हम लोगों ने नाश्ता किया है, सब वहाँ लोग बैठे थे, नाश्ता हो गया, अब निकलते हैं बाहर के लिए। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग जब भी नाश्ता लाएँ इस तरह के डोनों में लाएँ, वो डिस्पोजल लेके नहीं आएँ, क्योंकि इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्पोजल रहता है तो गंदगी हो जाती है। नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज मत करें। हाँ, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, पत्ता वाला डोना लेके आए, नेचुरल। अगर हमारे पप्पन भैया जल्दी आओ, दुनिया छोड़ जाए छोड़ जाए, पप्पन भैया नहीं छूटना चाहिए। और ये हम लोग आ गए हैं ऊपर, और यहाँ पे बह रहा था इस तरह का झरना जो कि ऊपर देखने को आपको मिलेगा। हम लोग ऊपर से डायरेक्ट नीचे चले गए थे, और नीचे थोड़ा गए थे मंदिर के पास, मंदिर गए थे, मंदिर दिखाया आपको, फिर वहाँ पे हमने खाया, नाश्ता वास्ता किया, नहाए धोए। तो ये सब है यहाँ पे, अभी इतना ही चल रहा है यहाँ पे। तो आप नलकेश्वर अभी आ सकते हैं, पिछले वीडियो में बोला था मैं कि ना नलकेश्वर मत आना, तो अभी आप नलकेश्वर आ सकते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का वाटरफॉल आपको देखने को मिल जाएगा, और नीचे काफ़ी ज़्यादा आनंद है। तो संभल के आइए, सेफ्टी के साथ आइए, अपना ध्यान रखते हुए इस ट्रिप को और यहाँ के नज़ारों का आनंद लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में जल्दी, एक और बढ़िया सी नई जगह पर। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम लोग एक नई और जगह जा रहे हैं, तो वो मैं बता दूंगा आपको कब निकल रहे हैं हम लोग। अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है तो बता दीजिए, इंस्टाग्राम पे संपर्क कर लीजिएगा मेरे से, डेविड ग्वालियर यूट्यूबर के नाम से इंस्टाग्राम पे अपना एक छोटा सा अकाउंट है। तब तक के लिए बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।